सो अगेन एक बार फिर से स्वागत दोस्तों अलीगंज क्षेत्र में। और अलीगंज क्षेत्र के अभी हम पूरे बेनीरायपुरवा से आगे निकले हैं नहर वाला रास्ता पकड़ के। अभी इस नहर वाले रास्ता से होते हुए नॉन स्टॉप हम मुसाफिर खाना के मंगलम इंटर कॉलेज के करीब पहुंचेंगे। उससे पहले देखते हैं कौन कौन लोग मिलते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, बात करते हैं। फोटो ब्लॉगिंग में इस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि हमारे पास अगर वायरलेस माइक होता तो और अच्छी क्लियरिंग वॉइस होती। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, हेलमेट ओपन करके स्पीच देना पड़ता है। अगर वॉइस क्या बोलते हैं वायरलेस होता तो हेलमेट अगर बंद होता ना तो आवाज़ भी अच्छी आती। तो एक रिक्वेस्ट होगी आप लोग वीडियो एक महीना और देखिए हेडफोन लगा के, आवाज़ तो ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी ही। उसके बाद आपको और क्लियरिटी के साथ हम अपना मोटो ब्लॉगिंग दिखाएंगे। और ऐसे में इस हरे भरे रास्ते से होकर गुजरने में बड़ा मज़ा आता है। अभी हम हाईवे पर से जा रहे थे, स्पेशली हमने टर्न लिया और सेम बैक किया उसी रोड से जिस रोड से हम आए थे। ये हरा भरा नज़ारा और साइड में शीशम का पेड़, बहुत ही गजब मतलब नज़ारा है। रास्ता कहीं कहीं पे थोड़ा सा ख़राब है बट मैनेज कर लेंगे। रास्ता पूरा मार रहे हैं खराब कई जहाँ है वो इधर के। अभी हम अलीगंज से 4 किलोमीटर आ गया है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं खेत में सूरजमुखी का फूल दिख रहा है लेकिन सभी पे पन्नी वगैरह बांधी गई है, पता नहीं का है यार, चल के पूछी हुआ जाए के, लेकिन उर्दव दूरा जाता है उधर। देखो भाई मैं इस आइडिया गई जयराम बाबा और निकाहो निक तोबे करियो तबे घाम में भाग आओ। जब घाम में क्यों देखे थे अगर पैदल जा रहा था ना बड़ा कष्ट हुआ था, कितने धूप में बेचारा यार पैदल चला था। आगे ग्रुप जाता है पता नहीं झगड़ी चरा वाले क्या कहते यार। फिलहाल पहुंचे वाले हम देखिए जेके संस्था ही है भैया, मछली पालन केंद्र है। दादी डंडा लेके आओ तो यहाँ पूछ ली मरी है तो नाम का पूछ ली। अभी मुसाफिर खाना कितनी दूर हुए दो सौ किलोमीटर 6 किलोमीटर हुए हैं। ई कौन गांव है पिछवा मझगवा और कौन गांव है बगल में इधर? अच्छा इधर क्यों खड़गीपुर आए का खड़गीपुर खड़गीपुर जाएगा। हाँ आगे वाला पुल जो है ना ई वाला पुल छोड़ के, हाँ आगे वाला पुल से सीधा खड़गीपुर खड़गीपुर ज्यादा दूर है का? ई वाला पुल है छोड़ के अगला पुल है। अच्छा अच्छा 7 किलोमीटर ठीक है जी। हाँ बाबा ठीक। अच्छा इधर कौन भैंस वैंस बिका तो नहीं ना? एक जने हमारे गांव पूछा तो हम कहा जाता पूछ ले से एक को बिका हुआ है यही महाचरतिया है। अच्छा ऊंच गाँव किधर पड़ता है? अच्छा वो ऊंच गाँव है, चलो ठीक जान ले वो इसे या भैंसिया सामने वाली। अच्छा अच्छा मतलब ठीक है ठीक है। अच्छा कीमत वगैरह कुछ? अच्छा 35,000 मांगे आप क्या?
कौन गांव घर है मतलब ठीक है समझ गए मतलब है नजदीक पता लागिन जो तो पता लागे ट्रांसफार्मर ठीक 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 ट्रांसफार्मर लगे 36,000 मांगा था हमारे इधर पड़ते हैं मुसाफिर खाना से आगे पड़े जन जगदीशपुर ठीक है बताओ जी जैसे वो जानब जरूरी रहा अब वही खातिर पूछ लेना क्या इस समय बहुत सारे व्यूअर्स हैं आप कहें भैया भैंसों के बारे में नहीं पूछे कुछ हुआ है तो फिलहाल हम भैंस के बारे में पूछ लेना कि भैंस बिका हुआ है ऊँचो गाँव में है या पड़वस गाँव कौन हमें नहीं पता आप बताओ बताए ना दादा समझ जाओ क्यों का भैंस चाहिए तो 35,000 में 10 महीना के प्रेगनेंट भैंस के साथ मतलब खरीदारी कैसे करता हूँ मोल भाव कैसे करता हूँ गाँव आ रहा है यार चलो छोड़ो